श्री विष्णु पुराण 12 अध्याय नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसमें वाम तथा दक्षिण और कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुटे हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नाग वीथि पर आश्रित अश्वनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनके किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उनके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय जी, सूर्यगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं उसी क्रम से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय जी, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कणा मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्य मंडल में प्रवेश करके उनकी अमा नामक किरणों में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और तदंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप यत किंचित भाग के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पुत्रगण मध्योत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय द्विकलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधा मृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य, बहिर्षद और अग्निश्वता 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जल कणों से लता वृक्ष आदि का और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा पप्पू चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिशंग वर्ण घोड़े जुटे हैं। वरुथ, अनुकर्ष, उपासंग और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए। पद्मराग मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है। जो 8 पांडुर वर्ण घोड़ों से युक्त सुवर्ण का रथ है उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़े से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनिश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर अर्थात मटियाले वर्ण का है, उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुटे हुए हैं। हे मैत्रेय जी, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर्वो अर्थात पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आते हैं तथा सौर पर्व अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट आते हैं। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं किसी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया। ये सभी वायुमय डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं।
हे मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारा मंडल वायु नए रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं, उनसे बंध कर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोलहू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रह गण वायु से बंध कर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रह गण अलात चक्र अर्थात बनैती के समान घूमा करते हैं, इसीलिए यह प्रवह कहलाता है। जिस शिशु मार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनि श्रेष्ठ, अब तुम उनकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है, तथा आकाश मंडल में जितने तारे इनके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उतानपाद उनकी ऊपर की थोड़ी है और यज्ञ नीचे की, तथा धर्म ने उनके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उनके हृदय देश में श्री नारायण है, दोनों चरणों में अश्वनी कुमार है, तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा है। संवत्सर उनका शिशन है, मित्र ने उनके अपान देश को आशुत कर रखा है, तथा अग्नि महेंद्र कश्यप और ध्रुव कुछ भाग में स्थित है। शिशुमार के कुछ भाग में स्थित ये अग्नि आदि चार तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी ग्रह गण द्वीप समुद्र पर्वत वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूरत रूप जल है उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई है। हे विप्रवर्ण, तारागण त्रिभुवन वन पर्वत दिशाएं नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं, तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप है इसीलिए वे सर्वमय है, परिच्छिन्न पदार्थकार नहीं है। अतः इन पर्वत समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्म ज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ भेदों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घटादि वस्तु है ही कहाँ? आदि मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है? देखो, प्रतिका का ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण रज और रज से अनुरूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं? अतः हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध निर्मल निःशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका हूँ। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ पशु वहनी समस्त ऋत्विक सोम सुरगण तथा स्वर्गमय कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोक आदि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल है। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवन गत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश घूमा करता है।
ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।